दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश चेतन भिवानी के लोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और हमेशा की तरह एक शख्सियत के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों इस कार्यक्रम को आप बड़े मन से देख रहे हैं और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज जिस व्यक्तित्व से आपको मिलाने जा रहा हूं, ये मेरे बाल सखा हैं। बचपन में हमने विद्यालय से लेकर कॉलेज तक में हम साथ साथ रहे, ना केवल स्कूल और कॉलेज में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भी उनके साथ कबड्डी में टांग पकड़ी है एक दूसरे की, हम लोगों ने गला नहीं पकड़ा, टांग पकड़ी है। ऐसा एक व्यक्तित्व जो भिवानी की गलियों से और ना जाने भिवानी पतराम गेट और बाड़ी मोहल्ले से निकल कर, वो आदमी कब ग्रीन पार्क की वादियों में आ गया और केवल यहाँ नहीं आ गया है तो आज दो प्रोफेशन भारत में सबसे लोकप्रिय हैं, एक मेडिकल साइंस जिसमें डॉक्टर काम करते हैं और दूसरा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया का एक बड़ा नाम होता है नरेंद्र सिंघानिया। आइए मिलते हैं नरेंद्र सिंघानिया जी से। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ के बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि आज यहाँ पे मेरे को सबसे बात करने का मौका मिल रहा है। और आपने जो परिचय करवाया तो जनरली जो आप परिचय करवाते हैं उसमें से एक चीज छोड़ गए आप, बाल सखा हैं आप, साथ में ये कहते हो कि जब हमारे बाल होते थे तब से सखा हैं हम, तो वो आप आज मिस कर गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा जी। तो आज मैं वो बाल सखा का मतलब जो कह रहे हैं नरेंद्र जी, अब बाल नहीं बचे हैं लेकिन सखा तो हम हैं, सखा तो हम हैं ही। नरेंद्र जी बहुत सारी यादें भिवानी की आपके पास हैं जी, आपकी बाड़ी मोहल्ले से लेके और बाकोठी से लेके लोहड़ बाजार से लेके और हालू बाजार से लेके बहुत सारी बातें जेहन में होगी। आप भिवानी के एक ब्रिलियंट विद्यार्थी रहे हैं, स्कूल में भी कॉलेज में भी। मैं चाहूँगा कि आप अपने जन्म से लेके शिक्षा दीक्षा से लेके अपने परिवार के बारे में, अपने नाना जी के परिवार के बारे में और अपने बच्चों के बारे में भी, भिवानी के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार से हम आपको बताएंगे तो अच्छा लगेगा जी। तो मेरा जन्म भिवानी में ही हुआ, भिवानी में गणपत राय मातृ सेवा सदन है जी, वहाँ पे जन्म हुआ मेरा। और सौभाग्य से मेरा ननिहाल भी और हमारा परिवार भी दोनों ही भिवानी से हैं जी। हमारा घर है बागकोठी गली नंबर 2 में जी, वहाँ से हम रहने वाले हैं जी। और ननिहाल मेरा जैसा आपने बताया बगड़िया जी, मेरे नाना जी सूरजभान जी बगड़िया मेरे नाना जी हैं जी, जो कि पतराम गेट पे बाड़े मोहल्ला में वो रहते आए हैं। अब मैं शुरू से, जैसे मेरा जन्म भिवानी में हुआ तो आप ये समझ लीजिए शुरू के जो पहले 20 साल में 15 साल के करीब या 13-14 साल में भिवानी में रहा। बीच बीच में 2-3 बार गए, 3-4 साल कलकत्ता गए, फिर वापस आना पड़ा, फिर 1-2 जगह मध्य प्रदेश में रहे कुछ समय, वापस आए। और उन 13-14 सालों में 8 से 10 साल मेरा ननिहाल में बीता। तो मेरे नाना जी जैसे सूरजभान जी बगड़िया, मेरे मामा जी जगदीश बगड़िया वो भी सबसे परिचित हैं, मामी जी, उनके पास मेरा लालन पालन हुआ। और जो लर्निंग वाला जो मेरा ज़्यादा बड़ा फेस था वो मेरे नाना जी के साथ जी, बगड़िया जी के पास गुजरा। तो वो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो एक्चुअल में जो सीखने की जो उम्र थी, ज्यादा सीखने की जो उम्र थी, वो मैं उनके साथ रहा, उनसे काफी कुछ सीखा। वो तो हम सब ने सीखा है, बिल्कुल, मैं भी उनका विद्यार्थी रहा, आप भी विद्यार्थी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जो दादाजी हैं, थे दादाजी नौरंग राय जी सिंघानिया, वो बागकोठी गली नंबर 2 में जैसे हमारा घर था, वो भी पुराना परिवार, सराफे का काम था, हालू बाजार में हमारी दुकान भी थी, दिल्ली में बम्बई में गद्दी होती थी, गद्दी बोलते थे, वो चांदी का काफी काम करते थे वो, मतलब 1940 से लगा के 60-65 तक चला किया काम वो। बाद में वो बिजनेस ज़्यादा अच्छा नहीं चला, तो वो उनका भी अपने समाज में बड़ा अच्छा नाम था मेरे दादाजी का, नौरंग राय जी का, और मतलब अच्छी, बट वो चूंकि भिवानी में कम रह के दिल्ली बम्बई में ज़्यादा रहे हैं, कलकत्ता में ज़्यादा रहे हैं, तो इसलिए भिवानी के लोगों में शायद उतना वो ज़्यादा वो नहीं हो पाए। और अब उसके बाद मेरा, हम लोग 4 भाई हैं, 4 भाई में से मैं सबसे बड़ा हूँ और बाकी 2 नंबर है कलकत्ता रहता है, वो रेलवे वैगन में के कुछ एंसिलरी यूनिट है उसकी, 3 नंबर फिर से सीए है और 4 नंबर, तो हम 3 भाई हम एक साथ हैं, 2 नंबर वाला कलकत्ता रहता है। और मेरी शादी हुई वो भी फॉर्चुनेटली भिवानी की ही है, भिवानी का ही परिवार है। क्या बात है। हाँ सुनीता, तो वो
जैसे अपने किरोड़ीमल जी जो है उस परिवार, किरोड़ीमल जी को तो कोई मेल संतान नहीं थी, किरोड़ीमल जी के भाई की पोती है वो। अच्छा, किरोड़ीमल जी के भाई की पोती है वो जी। बट वैसे उनका परिवार अब रायगढ़ में रहता है, बट वो हैं सब लोग भिवानी के बिचला बाजार में, बिचला बाजार में उनकी काफी। उनके नाम से रेलवे स्टेशन भी है, किरोड़ीमल, किरोड़ीमल नगर है, करेक्ट, रायगढ़ के बगल में। रायगढ़ जाते हैं तो उस पहले वो आता है, पहले वो आता है, मैंने देखा जी, वो शायद आधे से ज्यादा रायगढ़ किरोड़ीमल जी का ही बसाया हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। और मेरे तीन बच्चे हैं, बड़ा बेटा यश, उसने भी अभी सीए कर लिया है, बहुत अच्छा। तो 5-6 साल उसने आर्नेस्ट यंग में काम किया, ट्रेनिंग की, वहां से काम किया, और अभी साल भर से वो हमारे साथ जुड़ गया है। 2 नंबर पे फिर अगेन बेटा है शुभम, वो भी 24-25 साल का हो गया, वो भी स्विट्जरलैंड में पढ़ रहा है, इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी का कुछ कोर्स वो कर रहा है, उसको इवेंट मैनेजमेंट का शौक है, तो वो अल्टीमेटली इवेंचुअली वहाँ जाना चाहता है, उसका 7-8 महीने का कोर्स बचा है अभी। 3रे नंबर पे बिटिया है, 18 साल की हुई है, अभी रिसेंटली 12th क्लास किया है, वो भी 95+ मार्क्स वाली है, और अभी सीए का एंट्रेंस एग्जाम इनफैक्ट शुरू हो रहे हैं, बस वो एग्जाम में अपीयर कर रही है सीए एंट्रेंस के लिए, और बीकॉम फर्स्ट ईयर वो कर रही है। बहुत अच्छा, तो ये मेरा परिवार का परिचय हो गया जी। नरेंद्र जी, आपने ये जो परफेक्ट अकाउंटिंग के नाम से जो कंपनी आपने बनाई है, और इसमें कोई 150-200 लोग का आपने एक टीम आपके पास है, और दिल्ली की जो प्राइम लोकेशन में आप बैठे हैं, साउथ दिल्ली में आपने बड़ा बिजनेस, और ये भिवानी की गलियों से निकलकर और यही लंबी यात्रा की आपने, ये सफलता जो, इसके क्या क्या पड़ाव रहे, कैसे यात्रा करते हुए आप वेस्ट कॉलेज के प्रांगण से निकलकर किस प्रकार यहाँ तक पहुँचे, वो सफलता की कहानी मैं सुनना चाहता हूँ आपकी, बिजनेस की क्या स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी क्या है नरेंद्र सिंघानिया के पीछे। देखिए जी, मेरे जैसे मैंने बताया अभी कि 20 साल में से काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन भिवानी में ही हुई जी। तो भिवानी में जो अभी हलवासिया विद्या विहार है, वो पहले हलवासिया शिशु मंदिर नाम से, बाल मंदिर, बाल मंदिर, हाँ बाल मंदिर होता था, और शायद दिनोद गेट पे, लोहारू रोड पे, लोहारू रोड पे। तो मैं वहाँ से, मतलब वो KG 1-3 क्लास जो भी होती थी वहाँ पे पढ़ रहे थे, टीचर को आचार्य जी बोला जाता था, एक दिन हफ्ते में या 15 दिन में एक दिन होता था, कुछ फ्रूट हमें मिलता था कुछ खाने के लिए, तो वो सब समय से अपन पढ़ते आ रहे हैं। और फिर बीच में 3-4 साल में कलकत्ता रहा, 4 साल कलकत्ता पढ़ा, फिर वापस भिवानी आ गया, कॉलेज किया, ग्रेजुएशन किया। तो अब परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जो बार बार चेंज होता रहा, लेकिन जो मेरे, मतलब मेरे माता पिता थे, माताजी अब नहीं रही, पिताजी तो हैं, तो उनका ना एजुकेशन के बारे में शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा, चाहे बाकी किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, पढ़ाई लिखाई में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मुझे याद है कलकत्ता में स्कूल में मैं पढ़ता था, तो हिंदी हाई स्कूल नाम होता था, बिरला हाई स्कूल नाम है, शायद सबसे महंगे स्कूलों में उस टाइम पे होता था। हम 4 भाई थे, किराए के मकान में रहते थे, 1,000-1,000 रुपये महीना तनख्वाह थी। अच्छा। मेरी अकेले की फीस 100 रुपये महीना लगती थी। ओ। आप सोचिए, 1,000 रुपये में से 100 रुपये महीना, एक 4 बच्चे, किराए का मकान, बड़ी बात है। तो पता नहीं कैसे मैनेज करते होंगे वो, शायद इतना हम लोग आज इतने महंगे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा देते हैं, लेकिन इस रेशो में तो कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो उनका शुरू से ही जो है एजुकेशन के ऊपर काफी फोकस रहा, मेरी माँ का भी रहा, पापा का भी है, आज तक भी है उनका। आपको विश्वास नहीं होगा, वो टेक्नोलॉजी के मामले में इतने ज्यादा एडवांस हैं वो, मतलब एक जो वो दूरदृष्टि जो बोलते हैं ना, मुझे याद है 1982 में उन्होंने मुझे कंप्यूटर के बारे में बताया था। अरे राजीव गांधी तो बहुत बाद में आया है। अच्छा, राजीव गांधी तो मेरे ख्याल 84-85 में आया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 1982 में उनको कंप्यूटर के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी, और हमें प्रेरित करते थे कि आपको मतलब कुछ करना है टेक्नोलॉजी में, सीखना है। आज भी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग सब बात करते हैं, उनके मोबाइल में डिजी लॉकर है। अच्छा, शायद सारे लेटेस्ट ऐप जितने होते हैं वो सब करते हैं, तो अभी भी पूरा वो मतलब हमें गाइड करते हैं, हमें मतलब रोज शाम को हम उनके पास बैठते हैं, बिजनेस के बारे में बातें होती है, देश के बारे में भी चर्चा होती है, और जनरली जो उनके सोल्यूशन होते हैं, जैसे चर्चा होती है ना भाई राम मंदिर का क्या होना चाहिए, 370, तो वो उनके 90% सोल्यूशन जो वो बताते हैं बाद में, वो एक्यूरेट जाते हैं। अच्छा, ऐसे होगा, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जागरूक है आज तक भी वो है, अभी तक भी जो है, तो वो आगे की सोच पाते हैं वो। इसीलिए हमें शुरू से ही वो पढ़ाई के प्रति जो है ना काफी ज्यादा फोकस रहा उनका, और सेम फिर साथ में नाना जी थे, बगड़िया जी के पास रहते थे, जो कॉलेज वॉलेज जाते थे, उनके साथ भी, उनका भी, वो तो आप सब लोगों को पता है, वो तो
वो तो एनसाइक्लोपीडिया। तो इस वजह से जो एजुकेशन के बारे में जो है ना, शुरू से ही जो है हम लोगों को वो रहा कि पढ़ाई करनी है। अब जब और बीएससी की मैंने वेस्ट कॉलेज से, 80 से 84 तक मैं वेस्ट कॉलेज में था, बीएससी की 84 में बीएससी करके मैं दिल्ली आ गया सीए करने के लिए। पूरा 20 साल का हुआ था जब मैं, तो उसके बाद वो जो शुरू का साल 6 महीने का समय था वो थोड़ा सा टफ था, बिकॉज एकदम अपन रूरल बैकग्राउंड से आए थे, हम्बल बैकग्राउंड था, ज़्यादा कुछ पता नहीं था। यहाँ वो सीए में बाद में साथ में जो काम करने वाले डीपीएस मॉडर्न स्कूल के बच्चे होते थे, तो थोड़ा सा साल 6 महीने लगा हमें टाइम उसके साथ एडजस्ट होने में, लेकिन शायद अपन भिवानी के लोग कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, तो 6-8 महीने लगे मुझे। पीछे में शायद कभी मैंने सुना था आपने कहा था कि वो कृष्ण ने वो कुरुक्षेत्र लड़ी और वो सब हरियाणा के लोग लड़ाई करना जानते हैं, दोस्ती करना भी जानते हैं, कहीं भी मिक्सअप हो सकते हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं और डीपीएस मॉडर्न स्कूल के बच्चों के साथ बड़े अच्छे से मेरे दोस्त होंगे। 6-8 महीने लगे अपने को, थोड़ी अंग्रेजी की प्रॉब्लम थी, थोड़ी प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम थी, बट कोई बात नहीं, वो सब सीख गए जब सब हो गए था। और सीए करने में एक अटेम्प्ट ज्यादा लगा मुझे, पहली बारी में फेल हो गया था। अच्छा, तो बट ठीक है, वो कोई उससे ज्यादा कोई परेशानी नहीं हुई। आजकल के बच्चों के कंपैरिजन में कुछ भी संघर्ष नहीं था, बड़ा इजीली होता चला गया, खट खट खट, पता ही नहीं चला। हालांकि रिजल्ट पुअर रहता था, लेकिन अब मेरे लिए तो सब कुछ बड़ा आराम से होता चला गया। पापा का मैंने बताया, जैसे वो हमें गाइड करते रहते थे, माँ रिजल्ट आने के दिनों में वो सुंदरकांड का पाठ कर रही है, पूजा कर रही है, तो उन सब वजह से सब काम फटाफट होता चला गया। पता भी नहीं चला कब हम सीए बन गए, एक दिन अचानक से पता चला सीए बन गए जी। उसके बाद अर्नस्ट एंड यंग जो अभी बड़ी इंटरनेशनल फर्म है, उस वक्त उसका एसआर बाटली बॉय नाम से फर्म थी, उसमें मैंने ट्रेनिंग की। तो वहाँ पे जो उस टाइम इंडिया हेड होते थे मिस्टर मेमानी, उनका बड़ा मतलब मेरे से प्यार रहा, उनका आशीर्वाद रहा। तो काम सीखने में अपन लोग मेहनती भी, अगेन भिवानी के लोग मेहनती भी होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो चलता रहा उनके साथ, मतलब उनका एक तरह से समझ लो आशीर्वाद था, आज तक भी है, आज भी है उनके साथ में। तो 3-4 साल वो ट्रेनिंग के, फिर 2-1 साल वहाँ पे मैंने नौकरी की, तो टोटल 6 साल के बाद फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। तो शुरू में तो काम कुछ ऐसे ज़्यादा था नहीं, एक वो ब्रीफ केस वाले सीए होते थे, अपन सुबह घर से निकल जाते थे तो करते करते, फिर बस वो धीरे धीरे जुड़ता गया, काम आता गया। मेहनत करने में तो खैर कोई परेशानी थी नहीं, और अपने लोगों से बस एक के बाद एक कॉन्टैक्ट्स बनते चले गए, तो वो काम हो गया। अब आज अगर हम देखते हैं तो अपने पास करीब 150-155 लोग हैं, 150-155 लोग हैं, क्या बात है, और करीब 30 सीए हैं, 8-10 कंपनी सेक्रेटरीज हैं, बाकी वो डिफरेंट अलग अलग लेवल पे लोग हैं। और हौस खास, जैसे आपने कहा, हौस खास में ऑफिस है और ग्रीन पार्क में हम लोग रहते हैं। तो ये मेरा एक प्रोफेशनल सफर रहा। अभी आपने कोई पढ़ाई भी की है, मैंने सुना है कि आप कुछ कोर्स कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हाँ, मैंने अभी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एक नया सब्जेक्ट आया पीछे में। ओके। तो जो कंपनी बंद करनी होती है, दिवालियां होने वाली होती हैं, जो कंपनी जो आजकल पेपर में काफी पढ़ते भी होंगे हम लोग, उस पे वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करता है एनसीएलटी। उसके लिए पहले तो कोई भी सीए सीएस प्रोफेशनल हो जाता था, बट अब उन्होंने दोबारा से उसके लिए एग्जाम कंडक्ट किया। तो आज से करीब 1.5-2 साल पहले मैंने एग्जाम फिर हुआ, एक दो बार उसमें झटका लगा मुझे, लेकिन वो हो गया फाइनली। तो मेरी बेटी, मेरे जो 18 साल की, अभी बता रहा हूँ, उस टाइम 16 साल की रही होगी, तो उसने बड़ा प्रेरित किया कि हम पढ़ सकते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ सकते। 55 साल की उम्र में पढ़ना मुश्किल था, दिक्कत था, वो किताब खोलते नींद आ जाती थी और नींद आ जाती थी, और एक घंटे बाद नींद खुल भी जाती थी कि पढ़ना है। एक दो बार दिया एग्जाम तो नहीं क्लियर कर पाए, बट अल्टीमेटली वो हो गया। तो वो पास करने के बाद बड़ा मन में बड़ा संतोष होता है कि चलो अपन ने कुछ काम शुरू किया, अपन कर पाए उसको, पढ़ाई कर पाए, जो कि आपने ठीक बोला 55 साल की उम्र में है तो मुश्किल ही काम, लेकिन चलो हो गया वो। आप, मैंने जो मुझे जानकारी है, कुछ कंपनी में डायरेक्टर हैं, कुछ आपके प्रोफाइल में ये भी है। हाँ, वो क्या है? ऐसा है राजेश जी, हम लोग ना जो काम करते हैं, जो ट्रेडिशनल सीए की प्रैक्टिस है वो तो ही है, साथ में काफी सारा काम हम विदेशी कंपनियों का, जिनका इंडिया में ऑपरेशंस है, उनका काफी सारा काम हम करते हैं जी। तो उनमें समय समय पे तरह तरह के काम करते हैं। आज भी हमारे 80% क्लाइंट जो है विदेशी कंपनियां ही है। अच्छा, जी। जैसे अगर आपको नाम लूं, एक्सपीडिया है जो हम ट्रेवल पोर्टल है, ट्रिप एडवाइजर, इन सब का काम हम लोग करते हैं। वॉलमार्ट के हम ऑडिटर हैं, वॉलमार्ट इंडिया के हम लोग ऑडिटर। अच्छा, हाँ, वॉलमार्ट के। और आपने डायरेक्टर की जो बात कही, तो रिबॉक जो है जूते वाली कंपनी, पीछे
पाँच छः साल पहले उसमें बड़ा फ्रॉड हुआ था एक इंडिया में, उसके सीईओ डायरेक्टर्स ने मिलके ही बड़ा फ्रॉड किया था। उसके बाद उस कंपनी को वापस चलाने के लिए उनको एक प्रोफेशनल डायरेक्टर की जरूरत थी। अच्छा। तो वो मैं करीब 3 साल रहा उसके बोर्ड पे। अच्छा। तो 2 जर्मन थे, एक मैं था साथ में। अच्छा। 3 लोग हम लोग थे, तो वो 2 साल 2.5 साल 3 साल लगे उसको वापस रिवाइव करने के लिए। अच्छा। तो वो एक मतलब एक प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन वाला बड़ा बड़ा काम हुआ जो कि मैं उस चीज को लेके। एक फिर कारफूर है, कारफूर अगर सुना होगा तो फ्रेंच कंपनी है, रिटेल स्टोर्स हैं बड़े बड़े यूरोप में होते हैं, जैसे वॉलमार्ट है अमेरिकन। जी, जी, जी। तो उसमें मैं डायरेक्टर था, बाद में उसको लिक्विडेटर भी बना उसको, अब तो अगर इंडिया से ऑपरेशंस बंद हो गए उनके चले गए हैं। ऐसे ही अभी अभी चल रहा है काम, एक गिब्सन है वो गिटार बनाने वाली कंपनी है गिब्सन, उसको भी बंद कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। तो इस तरह से इन कंपनीज के बोर्ड पे मैं रहा हूँ समय समय पे, ये बड़े कुछ नाम बताए आपको मैंने। इस बिजनेस के सारे भाग दौड़ में आप अपने कुछ आदतों के लिए, सामाजिक कामों के लिए कुछ समय निकाल पाते हैं क्या? ये राजेश जी ऐसा है कि ये मुझे थोड़ा दुख होता है या एक रिग्रेट है मुझे लाइफ का कि ये नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते। सामाजिक कार्य, अब वो कोई पैसे दे देना या चेक दे देना वो सामाजिक कार्य नहीं है, सामाजिक काम है। मतलब मुझे मतलब मैं मेरे परिभाषा में वो नहीं है सामाजिक कार्य, वो पैसे दे देना कोई सामाजिक कार्य नहीं है। बट मैं वो तन से मतलब कुछ काम नहीं कर पाता हूँ, एक धन से कर लिया मन तो तन से नहीं हो पाता है। अब जैसे बचपन से आरएसएस से जुड़े रहे, एक्चुअल में अपना तो जन्म भी संघ स्थान पे हुआ है कह सकते हैं, याद भी नहीं है किस दिन गए होंगे वो, तो जब शरद पूर्णिमा की कबड्डी खीर खा रहे हैं और वो मतलब याद भी नहीं है कब पहली बार गए होंगे, तो ऑलमोस्ट हमने वहाँ होश संभाला ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल, संघ स्थान और संघ कार्यालय में रहे हम लोग। हाँ, संघ कार्यालय में रहे, अपने घर में हमेशा से संघ प्रचारक से शुरू से, जब से जगदीश जी मित्तल प्रेम जी सब आते थे, सबसे उन्हीं के गोद में पले ऐसा आप कह सकते हैं। अपन साथ साथ में शाखा में जाते ही थे, हनुमान जी होते थे अपने हनुमान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भिवानी से अब आपका कोई कनेक्शन, कोई भिवानी से आना जाना कुछ संभव होता है कि नहीं हो पाता है आपके लिए? भिवानी आना जाना तो राजेश बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन यस हमेशा मन बना रहता है, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी होती है तुरंत भाग के चले जाते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी कोई बुलाता है कोई पता चलता है तुरंत जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता है यस, लेकिन 2-3 बार हो जाता है। एक 2 मित्र हैं मेरे भिवानी में अभी, तो उनके घर में कोई कोई फंक्शन है कुछ है तो जाना आना हो जाता है। कुछ कुछ कभी कभी संघ के कुछ कार्यक्रम होते हैं पता चलता है तो पहुंच जाते हैं अपने भी, हो जाता है। बट कनेक्शन वाली जो बात है तो मैंने ना मतलब वही हम सब लोगों को है अपने अपने भिवानी से सबको कनेक्शन रखना है, तो मैंने बहुत साल तक अपने गाड़ी का नंबर वो HR 16 रखा। अच्छा। क्या बात है। अब आजकल क्या वो एविडेंस प्रूफ लाओ, एड्रेस प्रूफ लाओ, एड्रेस प्रूफ कुछ है नहीं, पहले तो चल जाता था काम। क्या बात है। तो HR 16, और मुझे याद है 2-3 बार रेड लाइट पे कोई एक भाई साहब उतर के आ रहे, भाई साहब भिवानी से हो तो आपको कैसे पता, बोला आपका गाड़ी का नंबर देख के, तो बड़ा खुशी होती थी। तो अब गाड़ी का नंबर तो नहीं रहा, तो वो कनेक्शन मतलब वो लिंक टूट गया, उसका अफसोस है जी मुझे, लेकिन अब क्या करें। आप भिवानी परिवार मैत्री संघ के कामों से जुड़े रहे हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों में आते भी हो, देखते भी हो नज़दीक से, और इस बार आपने नाना जी के नाम से एक कार्यक्रम सूरज बहन बगड़िया जी को याद करने का अवसर भी हम लोगों को दिया और सारा परिवार आया, बहुत अच्छा लगा। भिवानी परिवार का काम कैसा लगता है आपको? राजेश जी मेरे ख्याल से तो ये भिवानी परिवार का जो आज हम जहाँ पहुँच गए हैं, ये जैसे वो मैनेजमेंट स्कूल्स में केस स्टडी होती है ना, ये उसका एक टॉपिक होना चाहिए, कैसे एक आदमी ने, एक राजेश चेतन ने, शायद 10 साल हुए होंगे, 10 साल में, और वो 1000 लोगों का परिवार इकट्ठा कर दिया, 1000 लोगों का कुनबा इकट्ठा कर दिया। वो एक शायरी है ना, वो अकेला चला था मैं और लोग जुड़ते गए, कारमा बनता रहा, तो आपने कारमा खड़ा कर दिया जी। और जितने प्रोग्राम में बहुत ज्यादा नहीं आ पाता हूँ, लेकिन जितनी बार भी मैं आया हूँ मतलब वो हमेशा यादगार याद लेके साथ गए हैं, और कई दिन तक घर में परिवार में सब चर्चा करते रहे, और वी लुक फॉरवर्ड कि अगला प्रोग्राम कब होगा, कब चलना है अपने को। वाह जी वाह, बहुत अच्छा जी। नरेंद्र जी, आप बिजनेस से जुड़े हैं और फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जुड़े हैं, और आपका पूरा फोकस आप एक ऑडिटर भी हैं, आपकी दृष्टि ऑडिटर वाली है। अभी जो भारत चल रहा है, बहुत सारे बिजनेस जो जिस दौर से, जिस संकट से गुजर रहे हैं, प्रधानमंत्री की पॉलिसीज को लेकर बहुत सारे सवाल मीडिया में भी आ रहे हैं और जनमानस में भी आ रहे हैं, भारत का भविष्य क्या देख रहे हैं, बिजनेस का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? राहेश जी, अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम भारत की बात करते हैं, तो शायद आप और हम सब लोग एक ऐसे दौर में हैं, हम एक वो
क्रांति जैसे है ना वो 1857 में जो लोग थे 1947 में जो लोग थे तो हम वैसे एक क्रांति के मोड़ पे हैं। अच्छा। और हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि हम इस हमने ये दौर देखा है। अच्छा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर देखा है। ओके। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है लेकिन शायद जैसा कहते हैं कि वो बड़ी लड़ाई जीतनी होती तो छोटी मोटी बलिदानी कुर्बानी करनी पड़ेगी, आपको छोटी मोटी लड़ाई हारनी पड़ेगी, तो ठीक है तकलीफ है, लेकिन जो जो ये कदम उठाए जा रहे हैं चाहे वो नोटबंदी के जिसकी काफी काफी आलोचना भी हुई, मेरे ख्याल से मुझे तो आज तक एक आदमी भी नहीं मिला जो बोले जी मेरे पैसे रह गए जमा नहीं हुए, वो छुपे हुए रह गए वो बात एक अलग है, कोई दबे रह गए, पर ऐसा एक भी आदमी आपको कोई मिला हो तो बताइए। मुझे भी नहीं मिला, कोई नहीं मिला, ठीक बात, कोई नहीं मिला, तो कोई तकलीफ नहीं है। जीएसटी की वजह से काफी शोर हो रहा है जी, तकलीफ है, बट अगेन वही बड़ा हमें युद्ध जीतना है तो छोटी मोटी कुर्बानी करनी पड़ेगी, और उसमें कोई भी परेशानी मेरे ख्याल से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं इससे हुआ ये है कि जो हम गलत तरीकों से जो बिजनेस करते थे या हम जो थोड़ी हेराफेरी कर लेते थे उसके रास्ते बंद होने लगे हैं, बंद हो गए हैं, ऑलमोस्ट बंद हो गए, वो तकलीफ थोड़ी हो रही है जिन लोगों को वो आदत पड़ी हुई थी तो उन लोगों को तकलीफ हो रही है। बट अगर अगर आप फेयर बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इतना अच्छा समय है, आने वाला जो समय है अगले 10 साल 15 साल का जो हम अपने भारत का भविष्य देख पाते हैं वो मतलब हम बहुत बहुत आगे निकल जाएंगे। अरे वाह। और भिवानी का मतलब है बिजनेस सेंटर, भिवानी के लोग ज़्यादा एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन, और अपने भिवानी परिवार मैत्री संघ में भी 90% बिजनेसमैन है, बहुत डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट व्यक्ति कुछ बिंदु कुछ पॉइंट अगर वो बता सके कि उनको इस दौर में घबराना नहीं चाहिए, किस तरह से कौन कौन सी टिप्स 2-3-4 आप दे सकते हैं जिससे कि ये भिवानी के लोग जो आपको इस समय सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से वो अपने उस बिजनेस में उनको प्रयोग करके उनका उपयोग करके अपनी चीज़ों को ठीक कर लें। मैं ये कुछ चाहता हूँ कि आप ऐसे कुछ बता दें तो अच्छा होगा। हाँ, तो इसमें ऐसा है राजेश जी, कोई ना डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है जी, अगर हम ठीक तरीके से काम करेंगे तो कोई सरकार हमें कोई नहीं आ रही है, कोई लूटने नहीं आ रही है या कोई आपके आपके ऊपर जाती नहीं होने वाली है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली देखेंगे इनकम टैक्स में पहले इतना करप्शन था, इतने लोग परेशान होते थे, अब सब ऑनलाइन हो गया है, रिफंड अपने आप आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि 3 दिन हो गए जी पैसा मेरा बैंक में आ चुका, 2-3 दिन बाद बैंक से मैसेज आता मालूम चलता है। तो इसलिए अगर आप फेयर काम करते हैं, अगर सही तरीके से काम करते हैं, कानून के दायरे में रह के काम करते हैं तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। और अब आगे आने वाले समय में ग्रोथ वही उन्हीं की हो पाएगी या ग्रो वही लोग कर पाएंगे जो फेयर काम करेंगे जी, सही कानून के दायरे में रह के काम करेंगे, उनके लिए कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब जो लग रहा है हमें वो थोड़ा सा स्केल बढ़ाने की जरूरत है हमें, हम 3-5 लोग मिलकर इकट्ठा कुछ काम कर पाए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज या छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए तकलीफ है बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए अगर हम वो साइज ठीक से बड़ा कर पाते हैं किसी भी तरीके से स्केल बढ़ा पाते हैं यानी कि तो वो आने वाले समय में वो बिजनेस और तेजी से ग्रो कर पाएंगे। बहुत अच्छा। तो भिवानी के मित्रों के लिए आखिरी में चलते चलते नरेंद्र सिंघानिया जी से कोई संदेश सबसे सबके लिए हम सुनना चाहेंगे आपसे। और राजेश संदेश देने के लिए तो मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं क्या संदेश दूंगा, लेकिन हाँ जैसे मान लो मैं कोई चीज़ फॉलो करता आ रहा हूँ वो मैं बता सकता हूँ, लाइक जैसे विवेकानंद जी एक फ्रेज बड़ा इस्तेमाल करते थे, शायद वो कहीं उपनिषद से ही लिया गया है शायद, जी, मुझे जी, वो संस्कृत में बोलते थे उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराणी बोलते थे, ये तो शायद कहीं उपनिषद से लिया गया है, हिंदी में उठो जागो उसे प्राप्त करो जो तुम्हें चाहिए, इंग्लिश में राइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल यू अचीव योर गोल। तो हमें अगर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना जो भी हमने लक्ष्य बनाया है तो उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी साथ साथ में, और उसमें कठिन परिश्रम और अपना 100% देंगे तो वो सब अचीव हो जाएगा जी। तो ऐसा मतलब मैं संदेश नहीं दे रहा हूँ बट मैं इसको फॉलो करता हूँ, मैं अपना अपनी फिलोसफी बता रहा हूँ क्योंकि वो विवेकानंद जी से आप हम सब लोग पढ़ते हैं, मैं तो मेरा तो नाम भी उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। आपको ये बड़ी मजेदार बात है ये मैं बता देता हूँ, शायद आप मुझे भारत भी बोलते हो, नरेंद्र भी बोलते हो, तो बचपन में तो वो भारत मनोज कुमार की पिक्चरें आती थी मेरे देश की धरती, भारत नाम होता था तो भारत नाम रख दिया जी, 2-3-4-5 साल चलता रहा भारत, तो पूरे परिवार में घर में तो भारत हो गया, अपनी पीढ़ी का मैं सबसे बड़ा भी हूँ। आगे चल के जब स्कूल में गए तो कोई स्कूल में पापा लेके गए तो टीचर ने नाम वो तो पहले तो नाम लिखा दो भाई, तो नाम लिख दिया रजिस्टर में, तो पूछा नाम तो भारत, बोले ये क्या नाम हुआ, कोई नाम थोड़ी है, कोई नाम बताओ, तो पापा भी बोले कि आप रख दो फिर नाम बता दो, तो वो विवेकानंद जी की ऐसे तस्वीर स्कूल में लगी रहती है,
तो बोले विवेकानंद रख देते हैं। क्या बात है। तो वो बोला विवेकानंद नहीं, फिर नरेंद्र रख देते हैं। अरे वाह वाह, नाम मेरा नरेंद्र लिखा गया जी उसमें। तो मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा इतना अच्छा नाम मुझे मिला, विवेकानंद जी के नाम पे मुझे नाम मिला। और अब तो खैर हमारे मोदी जी भी आ गए हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि एक बच्चा विद्यालय गया और विवेकानंद जी का चित्र सामने था, तो टीचर ने नरेंद्र नाम रख दिया और उस नाम को साकार किया। तो आज विवेकानंद के नाम को साकार अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में कर रहे हैं, तो भिवानी का एक लाल और भी है जिसको हम नरेंद्र सिंघानिया के नाम से जान रहे हैं। और नरेंद्र सिंघानिया सिंघानिया परिवार और बगड़िया परिवार की संस्कार बाड़ी में पलकर आज दिल्ली में एक स्तंभ के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। मुझे लगता है कि आपको ये मुलाकात बहुत अच्छी लगी होगी। और नरेंद्र भाई को शुभकामनाएं देते हुए मैं इस कार्यक्रम को यहाँ विराम नहीं दे रहा हूँ। अगले सप्ताह किसी दूसरे शख्सियत के साथ आपके बीच उपस्थित रहूँगा। देखते रहिए कार्यक्रम भिवानी के लोग। नरेंद्र जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद जी।